बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत खुशी है कि दोबारा डॉक्टर सुहेल अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन पहले भी दी थी, लेकिन कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सके थे हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली दफ़ा प्रेजेंटेशन को काफ़ी पज़ीराई मिली थी, ख़ासतौर पर इनके जो इनके कुछ अपने कोलीग्स जो कि खुद इस प्रोफेशन में हैं, उन्होंने मुझसे बाद में कहा था कि उर्दू के जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे बीमारी को बयान करने में, वो काफ़ी काफ़ी सताइश के काबिल हैं, हम तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि अपनी उर्दू से आज भी हमें महसूस करेंगे अपनी नॉलेज, मेडिकल नॉलेज के अलावा। चलें बिस्मिल्लाह करें। आप अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो ज़िया आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि कोई टॉक डिलीवर कर सकूं। पहले जो आपने टॉक का टॉपिक दिया था मुझे, वो था उसका था खांसी से मुतालिक, और हमारी प्लान के मुताबिक सेकंड टॉक जो आज है उसका है सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस। तो मैं इसको ज़रा वो कर दूं, मिनिमाइज करके। अब आपको नजर आ रही है पूरा फुल स्क्रीन पे? ठीक है जिया, बस कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे नजर आ रही है, बिल्कुल सही नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सांस फूलना एक बहुत ही आम से ही प्रॉब्लम है। जाहिर है हमारे मेरी और डॉक्टर जिया की ये कोशिश थी कि हम कोई पेचीदा बीमारियों का अलामत और इलाज बताने के बजाय आम अलामत को थोड़ा सा फोकस करें। तो उसी हवाले से सांस फूलना चूँकि इंतहाई आम सी प्रॉब्लम है, उसको फोकस किया है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने टर्मिनोलॉजीज़ को काफ़ी सिंपल रखूँ, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे मरीजों के लिए, आम अफराद के लिए, मरीजों के लिए भी नहीं कहना चाहिए, आम अफराद के लिए, डॉक्टर्स के लिए नहीं है ये। डॉक्टर्स अगर शरीक होना चाहें तो बहुत खुशी की बात होगी। तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, कुल तारीफ़, जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, उन लोगों का नहीं जो मातूब हुए या भटके हुए थे। सदकल्लाहु अज़ीम। आज ये चंद नुकात हैं जिन पे मैं अपनी टॉक मरकूज करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि ये 20 से 25 मिनट के अंदर मेरी बात ख़त्म हो जाए, और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सवाल आएंगे। तो बहुत आम सी बात है कि सांस फूलने से हमारी मुराद क्या है, एक तो हम इसको देख लेंगे। उसके अलावा ये कि क्या सांस फूलना हमेशा ख़तरनाक ही होता है या कुछ केसेस में हम इसे नॉर्मल भी समझ सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि किन वजूहात की वजह से सांस फूल सकता है। चौथी वजह ये कि नॉर्मल भी अगर हो सकता है, वजूहात भी बेशुमार है, तो मुझे अगर सांस फूल रहा है तो मुझे कैसे पता चले कि भाई इसको मैं इग्नोर करूँ या मैं इसकी कोई फिक्र करूँ, किसी से रबता करूँ, कौन से अलामत हैं, नुकात हैं। और उसके बाद ये कि इसका किया क्या जा सकता है, सांस फूलने के लिए क्या इलाज। तो सांस फूलना मतलब अजीब सी बात है कि हम सोचें कि सांस फूलना है क्या, लेकिन इसको बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। या यूं कहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये टीच करते हैं कि सांस फूलना जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि बहुत से लोग ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपका सांस फूल रहा है या मेरा सांस फूल रहा है, वो इस तरह से बयान ही नहीं करेंगे। उनका जो है वो ये होगा कि दम घुट रहा है, सीने पे बोझ है, घबराहट। घबराहट एक बहुत ही आम सा लफ्ज़ है जिसको लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सांस फूलना ही नहीं, पैल्पिटेशन के लिए भी, सर दर्द के लिए भी, एंजाइना के लिए भी। तो घबराहट एक आम सा लफ्ज़ है।
लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि आम तौर पे लोग कहते हैं हमारा सांस घुट रहा है या सांस फूल रहा है। एक तो देखिए वो होता है सांस फूलना, जो आप कोई एग्जर्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं मेहनत का, चाहे वो चलना हो, भागना हो, दौड़ना हो, सीढ़ियाँ चढ़ना हो, और आपका सांस फूले। दूसरा होता है आप बैठे बैठे अपना जो है वो क्या कहते हैं, आपको सांस घुटता हुआ लग रहा है। तो ये दोनों एबनॉर्मल हैं, यानी नहीं होने चाहिए, और दोनों के मतालिब एक हो सके। मिसाल के तौर पे किसी एक ऐसी बीमारी में जिसमें मिसाल के तौर पे एस्थमा है, दमा, उसमें दोनों तरह से सांस फूल सकता है। आपका बैठे बैठे भी सांस फूल सकता है, दम घुट सकता है, और आपका जो है वो चलने फिरने में, एग्जर्शन में भी सांस फूल सकता है। तो ये तो हो गई डिस्क्रिप्शन। इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है, ये हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, जूनियर डॉक्टर्स को समझाते हैं, वो ये कि डिस्निया या ब्रेथलेसनेस वो चीज़ है जो मरीज जिक्र करे, आपकी निगाह में उसकी कोई, यानी कि कोई वो ना हो, मतलब एक्चुअली कोई बीमारी ना हो, लेकिन आप उसे फिर भी ब्रेथलेसनेस ही कहेंगे। तो वो जो आदमी की खुद की परसेप्शन होती है उसको हम ब्रेथलेसनेस या सांस फूलना कहेंगे। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमेशा ये एबनॉर्मल है, ये सीरियस है? मेरा ख्याल है इसको हम सब जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं है वो ना कहे उसे कभी सांस ही नहीं फूला। मसला नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा दौड़ लगा लूँ, ज़्यादा मेहनत कर लूँ, मैं बस इतना ही एक्टिविटी है मेरी कि मैं बाजार तक जाता हूँ और आता हूँ, इससे ज़्यादा मैं चलता नहीं, लेकिन आज ज़रा मैं थोड़ा सा 1 किलोमीटर चलने पड़ा मुझे, या लिफ्ट ख़राब थी तो मैं अपनी चौथे फ्लोर पे जो है ना वो आज सीढ़ियाँ चढ़ गया तो सांस फूल गया। तो जाहिर है ये एबनॉर्मल हमेशा नहीं होता। इसको एक जुमले में अगर समझना है तो इस तरह समझिए कि आपकी अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी से अगर कुछ ज्यादा हो गया है और आपका सांस फूल रहा है, तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि नहीं आज जरा कुछ ज्यादा हो गया। और अगर उसी लेवल पे एक्टिविटी की है आपने जिसमें आप रोजाना करते हैं, जो आपके लिए नई नहीं है, उसमें आपका सांस फूल रहा है, तो ये अबनॉर्मल है। इसमें जाहिर है आपको खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए। कुछ लोग जिनका सांस सालों तक फूलता रहता है, महीनों तक, लंबे अरसे के लिए, वो उसको किसी और अंदाज से भी लेते हैं कि यार मैं उम्र का तकाजा है, जरा आजकल ज्यादा काम कर लिया, गर्मी ज्यादा है, यूं है वो है। तो उनको थोड़ा सा इतना ज्यादा लिबर्टी नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई वाकई में ये कोई है भी या नहीं है। तो अपने अपने स्टेमिना के तनाजुर में देखें और फिर फैसला करें। हमेशा ये एबनॉर्मल नहीं होता, हमेशा ये सीरियस भी नहीं होता। खासतौर पर अभी पिछले दिनों कोरोना की जो वबा फैली, और न सिर्फ लोग मुतासर हुए बल्कि जितने लोग मुतासर हुए उससे कोई 100 गुना ज्यादा लोग जहनी तौर पर मुतासर हुए। तो हर आदमी के जहन में ये होता था कि यार मेरा, जिनको जाहिर है खासतौर पर कोरोना हो जाता था, उनके जहन में सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है, अरे यार ये सांस तो नहीं फूल रहा, सेचुरेशन देखें, अस्पताल जाना है, क्या करना है, ऑक्सीजन लगाना है। तो ये एक फियर भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने अपने एक्टिविटी के तनाजुर में देखें और फैसला करें। अब हम आते हैं कि और कौन कौन सी मोटी मोटी बीमारियां हैं जिनसे सांस फूल सकता है। मुमकिन नहीं है कि मैं सारों को कवर कर सकूं, लेकिन बड़ी बड़ी जो अहम बीमारियां उनको कवर करूंगा। तो इनमें यूं समझ लीजिए कि अगर हम हेडिंग्स में आएं तो फेफड़ों की बीमारियां हैं, और दिल की बीमारियां हैं, खून की कमी है, सिस्टमिक इलनेसेस यानी फेफड़े और दिल के अलावा और भी कोई बीमारियां हों उनमें भी सांस फूल सकता है, या एक आम सी बात है कि टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, या इंसान का फिट ना होना। इनमें अगर हम देखें कि वजूहात क्या हैं, तो एक वजह से समझ लें इसे कि हमें बॉडी में हर वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे बॉडी के हर टिश्यू को, हर उज़्व को, और वो ऑक्सीजन हमें हवा से और एटमॉस्फेयर से मिलती है। हम सांस के ज़रिए उसे अंदर लेकर जाते हैं हर सांस के ज़रिए, और वो जब खून की बारीक रगों तक पहुँचती है, सॉरी बल्कि यूँ कहिए कि सांस की छोटी नालियों तक पहुँचती है, तो उनके बराबर में जो बारीक रगें होती हैं उनमें वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, वो खून के ज़रिए जिस्म के हर उज़्व के, यानी हार्ट के ज़रिए पहुँच जाती है, और जिस्म का काम चलता रहता है। ये काम ऐसा भी नहीं है कि ये चंद मिनटों के लिए भी रुक जाए तो जिस्म का काम चलता रहे। अल्लाह ताला का निज़ाम है, क्या खूब उसने जिस्म बना कर दिया अल्लाह ताला हम बंदों को, हमें उसकी कदर नहीं है कि ये ऑक्सीजन हर सेकंड में जो है ना, हर सेकंड में और हर सेकंड के कुछ हिस्से में
पूरे जिस्म को मिलता रहता है। तो अगर इसमें कोई इम्बैलेंस हो जाए, मसलन ऑक्सीजन ना मिले, या अगर ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन वो सब मतलब इस्तेमाल सही नहीं हो पा रही, तो फिर आपका सांस फूलेगा, ठीक है ना। आपको ये वो सांस फूलना एक्चुअली एक अलामत है, अलामत है कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन या तो अवेलेबल ना हो या अवेलेबल हो लेकिन यूटिलाइज नहीं हो पा रही। मसलन फेफड़ों का फंक्शन पुअर है, अभी हम उसको देख लेते हैं अगली चंद स्लाइडों में। हार्ट का फंक्शन पुअर है, मतलब ब्लड सप्लाई यानी हवा से अब्जॉर्ब होके ब्लड तक तो आ गई लेकिन हार्ट उसको पंप नहीं कर पा रहा। उसके अलावा ये कि अगर हीमोग्लोबिन कम है या कोई ऐसी बीमारियां हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन भी पहुंच गई लेकिन जिसम उससे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो अगर किसी ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस है तो उसकी अलामत के तौर पे सांस फूलेगा। अब हम कंडीशन देख लेते हैं एक एक करके। लंग की कौन सी कंडीशन है, इसको एक और तरीके से बहुत अहम याद रखिए, या तो ये क्रॉनिक होती है यानी महीनों के ऊपर, दिनों या हफ्तों के ऊपर, सालों के ऊपर एक प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरा वो होता है जो अक्यूट है, फौरी हुआ है, चंद घंटों में, चंद मिनटों में या चंद दिनों में। तो क्रॉनिक डिजीज ज़्यादा आम होती है, इनमें सबसे आम बीमारी एस्थमा या दमा है, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो दमा की एक किस्म समझ लें, जिसमें यह है कि सिगरेट पीने की वजह से एक परमानेंट दमा का मसला रहता है, इसमें भी क्रॉनिक सांस फूलता है। लंग फाइब्रोसिस अगर इन दोनों से, अगरचे कि इन दोनों से कम आम है लेकिन इसकी रिकग्निशन बढ़ती जा रही है, इसमें सांस की नालियां ठीक होती हैं। बाय द वे एस्थमा और COPD में सांस की नालियों की रुकावट का मसला होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर पहुंच नहीं पाती। लंग फाइब्रोसिस में सांस की नालियों का मसला नहीं होता लेकिन जहां पे ऑक्सीजन और यानी यूँ कहिए कि सांस की नाली और खून की रगों का जो इत्तेसाल होता है, जहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, वो जगह जो है ना वो सख्त पड़ जाती है लंग फाइब्रोसिस की वजह से और वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ये कुछ बीमारियों की वजह से भी होता है, कुछ ऑक्यूपेशंस में भी होता है, मसलन कुछ ऐसे केमिकल्स और गैसेस के साथ मुस्तकिल सालों तक काम करने में वो ज़रा जगहें सख्त हो जाती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सके, और फेफड़ों का कैंसर मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सांस फूलना पैदा करता है। तो ये होते हो गई वो क्रॉनिक बीमारी, और इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनसे लोग वाकिफ भी होते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत सी ऐसी होती हैं जिन लोगों को सालों से होती हैं, महीनों से होती हैं, ना उनको अंदाज़ा होता है ना डॉक्टर्स ने कभी डायग्नोस करके उन्हें बताया। इसके मुकाबले में जो अक्यूट होती हैं, जो चंद घंटों या चंद दिनों की होती हैं, चंद मिनटों की भी हो सकती हैं, उनमें सबसे आम जो है ना इन्हीं क्रॉनिक बीमारियों का फ्लेयर अप का मतलब है आपको एस्थमा है, ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कई महीनों से, एकदम से अचानक उसमें इजाफा हो गया, तो वो भी अक्यूट होगी ना, लेकिन वो कोई अलहदा बीमारी नहीं है, वो आपको पहले से मौजूद एक बीमारी थी, उसका अक्यूट फ्लेयरअप होगा। इसके अलावा अच्छा इन सब बीमारियों का फ्लेयरअप हो सकता है जो मैंने जिक्र किया क्रॉनिक में, और ये अक्यूट फौरी सांस फूलने की सबसे आम वजह। दूसरी वजह हो सकती है जो बहुत आम है, वो नमूनिया है। नमूनिया कोई एक सिंगल नमूनिया, लोबार नमूनिया भी हो सकता है, या जनरलाइज नमूनिया, वायरल नमूनिया, या यूँ कहिए बार बार कोरोना पे आके गोट अटक जाती है, अटकनी भी चाहिए भी क्योंकि आप आजकल बहुत आम है। कोरोना भी जो प्रॉब्लम कराता है वो नमूनिया से ही शुरू होता है, और अगर उसमें चारों तरफ जो है वो उसके नमूनिया के असरात हों, तो उसमें होता ये है कि नमूनिया में जो सांस की नालियाँ यूँ कहिए कि छोटे छोटे उसमें जो यूनिट्स होते हैं एल्वियोलाई जिनको कहते हैं, उसमें हवा के एक्सचेंज की बजाय उसमें कुछ पानी जमा हो जाता है, एक्सुडेट जिसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो नमूनिया एक आम अलामत है। फेफड़ों में पानी आ जाना, इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक तो होता है जो हार्ट फेलियर की वजह से होता है, हार्ट के पंपिंग से मजबूत नहीं होती तो इस वजह से लंग्स में छोटे छोटे एल्वियोलाई जो होते हैं उसमें पानी जमा हो जाता है, तो वो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता। दूसरा एक पानी वो होता है जो एक्चुअली लंग्स में नहीं होता, वो कहलाता लंग्स में, वो सीने के अंदर होता है, फेफड़ों के बाहर होता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली होती है, उसमें पानी जमा हो जाता है, तो फेफड़ा जो जहाँ पे जिसको पूरा खुला हुआ होना चाहिए वो पिचक जाता है, और चूंकि वो पिचका हुआ होता है इसलिए उसकी पूरी ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाती। इसी तरह का पिचकना एक न्यूमोथोरेक्स की वजह से होता है, यानी इस पानी की जगह हवा जमा हो जाए, फेफड़े में पंक्चर हो जाए, और एक आखिरी जो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है लेकिन हम लोग उसे बहुत कम रिकग्नाइज करते हैं, उसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लंग्स में क्लॉट्स हो जाना। ये आमतौर पे टांगों की वेन से होकर जाते हैं
और ब्लड के ज़रिए लंग्स की आर्टरीज तक, वेंस तक जाते हैं, और उसमें जो है ना वो, और उसमें हो जाता ही है कि यहाँ से हवा तो आ रही है, सांस की नालियाँ तो ठीक हैं, लेकिन चूंकि वो ब्लड वेसल्स बंद हैं, इस वजह से उनमें क्या कहते हैं ऑक्सीजन सही तरह से नहीं जाता। तो ये चंद अक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन हैं जिसमें सांस फूल सकता है। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं सबको एक्सप्लेन करूं, लेकिन आगे इसके बारे में सवाल आता है तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो आपको अगर सांस फूल रहा है तो आप ये देखिए कि आपको फौरी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, अक्यूट से मुराद घंटों भी हो सकती है, आमतौर पर दिनों की बात है, यानी चंद दिनों में, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता में आपका सांस फूला है, या आपको एक प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हैं कि हाँ फूली तो अभी कोई दो चार दिन से, हफ्ता से है, लेकिन ऐसा मुझे पहले भी होता रहा है, तो मुमकिन है आपकी कोई एस्मा या COPD कोई डायग्नोज ना हो पाई हो, तो इस दो तनाजुर में देखें। ठीक है जी, ये तो हो गई फेफड़ों की बीमारी। अब हम आते हैं हार्ट की कंडीशंस पर। सबसे इसमें अहम और सबसे ज़्यादा जो ड्रामाई जो एक चीज़ है वो हार्ट अटैक ज़ाहिर है। हार्ट अटैक में अगरचे सांस फूलना मेन अलामत नहीं होती, हम सब जानते हैं हार्ट अटैक में क्या होता है, सीने का दर्द होता है, सीने पे एक बोझ सा महसूस होता है, लेकिन सांस भी उसके साथ साथ फूलता है क्योंकि हार्ट की पंपिंग नहीं हो पाती, साथ में फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है जैसे मैंने बताया, और जनाब उसमें जो है ना सांस फूलना भी एक बहुत अहम अलामत होती है। या उसके अलावा एक आम सी चीज़ होती है कि हार्ट की रिदम, यानी जो रिदम को क्या कहेंगे, तरतीब, ठीक है ना, या तो वो बहुत तेज़ हो गई हो, या बहुत स्लो हो गई हो, या वो बेकायदा हो गई हो, इररेगुलर हो गए थे, और उसमें सबसे कॉमन है एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी हार्ट में जो पंपिंग का निज़ाम होता है, जो एक टुक 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 जो सीधा सीधा एक साइकिल से चल रही है, तो वो बेकायदा हो जाती है। इसमें चूंकि हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड फिल नहीं हो पाता प्रॉपरली, बहुत तेज़ हार्ट बीट कर रहा है 200 प्लस पर मिनट के हिसाब से, या इरेगुलर है, तो चूंकि वो पंपिंग सही तरह से, यानी हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड नहीं जमा हो पाता, वो आगे नहीं जा पाता, इस वजह से वही मैंने जो आपको बताया ऑक्सीजन का इम्बेलेंस वो हो जाता है। ये भी एक निस्बतन आम प्रॉब्लम है, बहुत कम डायग्नोस होती है, बहुत मुश्किल से डायग्नोस होती है। तो तीसरा एक जिसको हम कहेंगे आमतौर पर हार्ट फेलियर, एक तो हार्ट फेलियर लोग समझते हैं कि हार्ट बंद हो जाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक हार्ट फेलियर हम लोग जिसको कहते हैं उसको कहते हैं हार्ट की जो पंपिंग का काम है उसको प्रॉपर तरीके से ना होना, इसकी आम वजह भी हार्ट अटैक होना पिछला या दूसरी वजूहत शामिल है। तो ये क्रॉनिक भी हो सकता है, अक्यूट प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंजाइना या हार्ट अटैक तकरीबन एक ही चीज़ है, हार्ट अटैक एंजाइना की एक एक्सट्रीम शक्ल है, बिल्कुल एंड स्टेज है, तो अगर एंजाइना आपको हो रहा है तो उसमें भी वही सांस, सीने के दर्द के साथ साथ सांस भी फूल सकता है आपका। और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अगर मुस्तकिल हाई रहे और उसका कोई इलाज ना हो, ये भी अक्सर मैंने देखा है, ये मेरी ज़ाती मुशाहिदा है, शायद बुक्स में इतना ना लिखा हो, कि अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर से भी सांस अच्छा खासा फूलता है, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और वो अपना काम नहीं कर पाता सही तरह। इसके अलावा अगर हम चंद मिसलिनियस बीमारियों को ले लें, ये मेरी अहम है लेकिन मिलती मतलब मिक्स ही हैं। खून की कमी होना इतना आम प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, मैं इसका अलहदा से जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन अगर आपका 11-10 से कम है, बल्कि और ज़्यादा कम है तो और ज़्यादा होगा, तो आपको सांस फूलेगा, सिर्फ सांस ही नहीं फूलेगा बल्कि कमज़ोरी, नकाहत, भूख कम लगना, कम टांगों में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम होता है, तो इसको ना भूलिए। और ख़वातीन में ख़ासतौर पर ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की वजह से, रिपीटेड डिलीवरीज की वजह से, या अपना सेहत का ख्याल ना रखने की वजह से, ख़वातीन में तो बहुत आम है लेकिन मर्दों में भी होता है, तो खून की कमी हो गई। अच्छा, कुछ लोग जो है वो हाई अल्टीट्यूड जैसे मतलब शुमाली इलाका आजाद में पहाड़ों वगैरह पर रहते हैं, उनमें चूंकि उनकी फ़र्ज़ कीजिए बिल्कुल वो ठीक है, उनका कोई ना हार्ट प्रॉब्लम है ना लंग्स प्रॉब्लम, लेकिन उनके जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी की वजह से उसकी फ़िज़ा में ऑक्सीजन कम होती है, हालांकि बज़ाहिर वो साफ़ सुथरे सेहत बख्श मकाम होते हैं, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए वक्त के साथ साथ उसमें बॉडी में भी, क्योंकि है ही नहीं ऑक्सीजन तो इनहेल कम ही करेंगे तो बॉडी में भी कम मिलेगी। बहुत आम सी बात है, नाक बंद होती है तो लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है, ये आमतौर पे लोग खुद अंदाज़ा करके बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को बताना पड़ता है कि भाई आपकी नाक के गोश्त बड़ा हुआ है या आपकी हड्डी टेढ़ी है तो फिर आपका सांस सही तरह से नहीं जा रहा,
इसके अलावा एक बहुत अहम टॉपिक वो ये है कि सिस्टमिक इलनेसेस, कोई और बीमारियां जो हार्ट या लंग से मुतालिक ना हो, मसलन किडनी का फंक्शन सही नहीं, तो उसकी वजह से भी सांस फूलता है। आप सोचें भाई गुर्दे का और सांस फूलने का क्या ताल्लुक है? वो ताल्लुक ये है कि गुर्दा जो है वो एक एरिथ्रोपोइटिन सब्सटेंस होता है जो गुर्दे से सिक्रीट होता है, लेकिन अगर किडनी का फंक्शन सही ना हो तो वो सिक्रीट नहीं हो पाता, और नतीजा ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो सही मकदार में नहीं बन पाता। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहत होती हैं, फेफड़ों में पानी आना वगैरह वगैरह। तो अगरचे के एक दूर दराज का एक उजव है किडनी फंक्शन, अगर उसका सही नहीं है, हम अक्सर बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम सांस फूलने को इवेल्युएट करते हैं तो निकलता किडनी का प्रॉब्लम है, यूरिया बढ़ा हुआ निकलता है या वगैरह। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो गर्दन में होता है, अक्सर लोग जानते हैं, या वो अंडर परफॉर्म करे या ओवर परफॉर्म करे, दोनों सूरतों में सांस फूल सकता है। लिवर डिजीज, उसकी भी बहुत सी वजूहत है कि भाई सांस क्यों फूल सकता है, खून की कमी एक वजह है और बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो सही ना हो तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कम होती है। तो ये भी याद रखिए कि कोई अनरिलेटेड भी हो सकती है लंग्स और हार्ट। इसके अलावा हम ये कैसे भूल सकते हैं कि सांस फूलना स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हो सकता है, और ये अगर मतलब नंबर ऑफ डिजीजेज में कॉमननेस के हिसाब से देखा जाए तो उसको बहुत ऊपर होना चाहिए, मेरा ख्याल है हार्ट और लंग्स के बाद शायद इसको होना चाहिए एनीमिया के बाद। और इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि बस नहीं तुम तो एंजाइटी हो। देखिए किसी का सांस फूल रहा है, मैं आपको मिसाल दूं, मुझे अस्थमा है और मुझे सांस फूल रहा है तो मैं क्या बहुत मुतमइन होऊंगा? जाहिर है मैं एंशियस होऊंगा। तो ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं कि आपको एक्चुअली बॉडी की कोई बीमारी हो और आपको एंजाइटी भी साथ हो जाए। तो हमारे डॉक्टरों को काम ये होता है कि पहले ये देख लें कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, भाई सिर्फ खाम खाम उसे एंजाइटी लेवल तो नहीं कर रहे, कुछ एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ डायरेक्ट इंडिकेटर्स भी आ जाते। मसलन मैं आपको एक अलामत से बताता हूँ, उसको अच्छी तरह समझिए। ये इतनी आम अलामत है कि यूँ समझिए कि मैं मजाकन कहता हूँ कि औरत आमतौर पर ख्वातीन यंग लेडीज़ जो हैं वो आती हैं और तब दो जुमले बोलती हैं उसके बाद उनकी डायग्नोसिस हो जाती है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है कि डॉक्टर साहब मुझे बीच सांस गहरा लेना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है सांस नहीं आ रहा। अच्छा भाई वो कितनी देर चलता है? बस वो अगले सांस में ठीक हो जाता है। तो ये टिपिकल हाइपर वेंटिलेशन हम इसे कहते हैं, एनजाइटी की वजह से होता है। ये होता है कि जैसे वो आप सांस ले रहे हैं इस तरह करके, लेकिन उन्होंने गहरा सांस लिया एक या दो या चार, फिर वो ठीक हो, और ये उनको लगता है ये प्रॉब्लम है, और जाहिर है प्रॉब्लम तो होता है उनके लिए, लेकिन हम जानते हैं इसका फिजिकल कोई रीज़न नहीं होता। तो एनजाइटी एक आम सी प्रॉब्लम है। ये एनजाइटी दो तरह से हो सकती है, एक तो ये कि मुझे पता है कि भाई मुझे कोई स्ट्रेस हो गया, एग्जाम है या कोई ऐसी ज़हनी उलझन है, कुछ नहीं बल्कि बहुत केसेस में पेशेंट्स को ना पता होता है ना वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें कोई एनजाइटी लेवल है, तो इसको जो है ना समझने की ज़रूरत है, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम, ठीक है ना। और एक जो हम ना भूलें जो आजकल के दौर की पैदावार है, मुझ समेत मेरा ख्याल है हम सब इसका शिकार हैं, वो है बीइंग अनफिट, एक्सरसाइज ना करना, अपनी सेहत का ख्याल ना रखना। आप चलेंगे ही नहीं तो आपको कहाँ से ज़रा सा चल लिए तो फिर आपका सांस फूलने लग जाएगा, आपका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ना एक इजाफी बोझ डालता है, सांस फूलता है वगैरह वगैरह। तो ये कुछ मिसलिनियस वजूहात। अब इस कॉम्प्लेक्स की डायग्राम पे परेशान मत होइए, मैंने इसमें इसको जानबूझ के रखा था और मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि उम्मीद है आपको इसका पॉइंटर नज़र आ रहा होगा, ये लेफ्ट ऑफ द पिक्चर पे, कि नाक बंद हो तो वहाँ से जनाब ये सांस का, बल्कि आप एटमॉस्फेयर से लीजिए कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है, वो ऑक्सीजन कम मिली। दूसरी ये कि बाकी ठीक है, नाक बंद है आपकी, नाक तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती इससे। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाइए तो सांस की नालियाँ हैं दाएं बाएं और मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो ये छोटी छोटी नालियाँ, इसको ऊपर वाले डायग्राम में देख लें कि ये जाती हैं, ये सांस, ये जो एल्वियोलाई और इनके बराबर में खून की बारीक बारीक रगें जा रही हैं, तो यहाँ से बिल्कुल वन टू वन एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का। तो इसमें जैसे मैंने आपको बहुत सारी वजूहत बता दी कि किस वजूहत की वजह से ये अगर एल्वियोलाई भरे हुए हों या खून की रगें जो हैं वो किसी वजह से ब्लॉक हों या सख्त हो गई हो तो इनमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा, या इनके दरमियान जो इंटरस्टिशन होता है उसको फाइब्रोसिस हो जाए इसके अंदर। ये बीच में जो एक दो सांस की नालियां बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं, ये वो सबसे आम बीमारियां हैं जिनको हम एयरवे डिजीज कहते हैं। इसमें देखें उल्टे हाथ पे एक ये सांस की नाली है जो नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल डायमीटर है,
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से ये सांस की नालियाँ जो है ना वो अनस्टेबल हो जाती हैं और अनस्टेबल कह रहा हूँ, ये नैरो हो जाती हैं और इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ये वक्ती तौर पे होती है, दवाइयाँ देते हैं तो वो खुल भी जाती है। ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ से तो मैं वजूहात बता चुका, और ऊपर आ जाएँ तो ये खून के ज़रात नज़र आ रहे हैं। अगर अनीमिया होगा तो भी ये सब कुछ ठीक होगा तब भी खून ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाए। तो ये चंद वजूहात समझाने की कोशिश की गई। अब हम आते हैं आखिरी दो स्लाइड पे, ख्याल है 5 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। हाउ शुड आई असेस इफ माई ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज वर्थ अ कंसर्न, जनाब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सांस तो फूल रहा है लेकिन मैं कुछ करूँ, डॉक्टर को दिखाऊँ ना दिखाऊँ? तो पहला तो मैं बता चुका कि अगर आपके नॉर्मल से ज़्यादा कोई हटके है चीज़ और चंद शॉर्ट पीरियड में हुई, मतलब आपको बीमारी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको 3 साल से आपको पता ही ना हो आपको प्रॉब्लम कैरी ना करे, मतलब कम चांसेस। तो अगर आपको लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हुई है, 3 दिन के अंदर हुई है, तो आपका माथा ठनकेगा कि यार कोई मसला है। तो आप सबसे पहले अपना ये देखिए आउट ऑफ नॉर्मल है, थोड़े अरसे के लिए हुआ, बहुत शॉर्ट अरसे में हुआ है, तो डेफिनेटली आपको दिखा दीजिए डॉक्टर को। दूसरा ये है कि जैसे एस्मा है, COPD है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और वो इंसान को अंदाज़ा ही हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको इलाज करने की ज़रूरत है, वजूहात मालूम करने की ज़रूरत है, वर्ष क्यों हुई थी, ताकि वो दोबारा ना हो, उसका सही इलाज। तीसरा आप ये सोचिए कि मुझे एस्मा तो है, मुझे पता है, मुझे 5 साल से या 10 साल से, और डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ भी बताई हैं, मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कोई अपना चेकअप भी कराया कुछ जाके? कितना अर्सा हो गया मुझे जाके? मतलब एक मैं मिसाल देता हूँ शुगर की या ब्लड प्रेशर की, लोगों को होता है 5-5 साल से, 10-10 साल से, 6-6 साल से, लेकिन वो ना डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, नतीजे तो जब हम देखते हैं तो उनकी शुगर 300 आ रही होती है, ब्लड प्रेशर 200 पहुँच चुका होता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम दवाई तो लें, लेकिन वो मसला ये होता है कि वो उनकी दवाई वक्त के साथ साथ चेंज होनी होती है लेकिन वो नहीं हो पाती। चौथा सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप ये देखें आप सिगरेट तो नहीं पीते, क्योंकि अगर से आप सिगरेट पीते हैं तो काफ़ी हद तक इम्कान आता है कि आपकी सांस की प्रॉब्लम जेन्युइन होगी और किसी बीमारी की वजह से होगी। और इसके अलावा आप ये देखें कि आपको सांस फूलने की अलामत के अलावा कोई और भी अलामत है जो अहम है, या आपकी सेहत आमतौर पर ख़राब है, कोई और अलामत से मुरादी आपको खांसी है, बलगम है, सीने में दर्द हो रहा है जो एंजाइना का बायस हो सकता है, निमोनिया का या और किसी बीमारी का, आपको वजन कम तो नहीं हो रहा, आपको भूख कम तो नहीं लग रही, आप अमूमी तौर पे कमजोरी महसूस तो नहीं कर रहे सांस फूलने के अलावा की बात कर रहा हूँ, आपके पैर में सूजन तो नहीं आ रही, उसके अलावा और थोड़ी सी अलामतें हैं, आपको चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है, या आपको गनूदगी तो नहीं होती, अगर ये अलामतें हैं तो फिर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आखिरी सवाल के करना क्या है, ठीक है जी, तो आप पहला तो यही है कि अगर आप खुद असेसमेंट कर लें और डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसका हल निकाल सकें या उसकी तह तक पहुंच सकें। इफ़ से मैंने मुराद वो छोड़ दिया, वही जो पिछली स्लाइड में था, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो आप डॉक्टर को रुजू करें। और दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि सांस फूलना ऐसी नहीं कि जनाब कोई गोली खरीद लें बाज़ार से, केमिस्ट से, और वो खा लें तो सांस फूलना ठीक हो जाएगा, या आप ऑक्सीजन लगा लें, या कुछ लोग करते हैं कि हर सांस फूलने के लिए नेबुलाइजर लेने लग जाते हैं, नेबुलाइजर पाकिस्तान में बहुत आम हो गया, तो कोई सिंगल रेमेडी नहीं है। असल बात यह है ट्रीट द कॉज, वजह मालूम करें और उसको वजह को इलाज करें, ये उसका आसान सा जवाब है। हम COPD जो आम बीमारी है उसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपीज देते हैं, हार्ट डिजीज के लिए आमतौर पर इसकी वजह यह होती है कि खून की सप्लाई बजाते खुद हार्ट को की वजह से उनको खोलने का अमल होता है, एंजियोप्लास्टी के जरिए, बाईपास के जरिए, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करें, कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करें, कमी तो नहीं है उसको चेकअप कर लें, कोई और बीमारी तो नहीं है। मैं इसमें एक चीज कहूंगा, कुछ लोगों की एक टेंडेंसी होती है हमारे यहाँ खासतौर पर पाकिस्तान में, वो पहले से टेस्ट खुद ही करा लेते हैं, यार किसी से पूछ लेते हैं, कहते हैं हाँ यार ये करा लो वो करा लो, और फिर वो लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि फिर उनको ये तो नहीं पता होता कि कौन कौन सी टेस्ट कराने, उसमें वो अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं और जनाब फिर वो उसमें सही नतीजे भी, तो बेहतर हल ये है कि पहले डॉक्टर को दिखा दें, उससे मशवरा कर लें, वो आपका मुआयना कर लें, उसके बाद वो जो इलाज करना चाहे कर। हाँ, एक प्रिस्क्रिप्शन वो जो है जो हर एक के लिए काम करता है किसी भी सांस फूलने की वजह से, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं
तो आप भूल जाए कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फौरन तर्क करें। अगर आप सांस नहीं फूल रहा तो आप जरूरी सिगरेट प्लीज छोड़ दें, क्योंकि अभी तो डैमेज हुआ भी नहीं। आप अपना बॉडी वेट आइडियल रखें, ओवरवेट लोगों का सांस किसी भी प्रॉब्लम के बगैर ही फूलता है। और उसकी तरीका क्या है इस में जाने का वक्त नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, सिंपल गज़ा खाएं, चिकनाई मीठे से परहेज करें, बैलेंस डाइट रखें, अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराते रहें, सिंपल लाइफस्टाइल रखें, अपनी ज़िंदगी को बोझ में मत डालें, अपनी ज़िंदगी को बोझ में मत डालें, अपनी तवक्कुआत अपनी एम्बिशंस इतने ज़्यादा ना रखें जो आपके बस में ही ना हो। अच्छा इंसान को आगे की तरफ देखना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड्स ऑफ लाइफ, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास वो भी आ जाए, जो मुमकिन नहीं है वो भी आ जाए, तो बंदा जो है ना वो अपनी सेहत की तरफ देखता नहीं है, बीमारियों में मुब्तला रहता है, स्मोकिंग की तरफ आ जाता है, अल्कोहल की तरफ आ जाता है, स्ट्रेसेस लेने लग जाता है, बीमार रहता है। तो बस ये इन चंद गुजारिशात के साथ एक बहुत मशहूर गालिबन मीर तकी मीर का कि सांस एक बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है और एक अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ दुनिया का। और वो कहते हैं कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है मगर काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी का। यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं किसी भी सवाल के लिए हाजिर हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर सुहेल, बहुत ही डिटेल में चीज़ों को तुमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, और शेर व शायरी के बारे में डॉक्टर सुहेल का खास इसमें रुझान रहा है बहुत ज़्यादा पहले भी, तो लगता है आखिरी जो एंड हुआ है उसके ऊपर भी आपने अंदाजा कर लिया होगा। तो कोई सवाल हो खास? मेरा सवाल पहला एक है जो मुख्तसर सा है। जरूर जरूर। ये कोरोना वायरस जो होता है आजकल बहुत कॉमन है और यकीनन तुम्हारे पास तो इसके बहुत केसेस आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, इसके अंदर जो सांस फूलता है और इसकी जो अलामत होती हैं और उसकी एहतियाती तदाबीर अगर कोई है तो वो बस एक बता दो मुख्तसर। अच्छा वो जरिया आपने कोरोना वायरस से शुरू इब्तदा की, क्योंकि एक सबसे कॉमन आजकल जहन में लोगों के हैं। कोरोना वायरस जो है वो 80% ऑफ केसेस में लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करता, या आप 70 कर लें। उसमें यूं समझ लें कि 80-70% में नाक और गले तक ही मामला रह जाता है और फेफड़ों तक उसके असरात नहीं पहुंचते अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए बुखार होना, जिस्म में टूटन होना, दर्द होना, ये तो होता है, लेकिन अच्छा खांसी भी हो सकती है क्योंकि गले में जाहिर होगा तो वायरस होगा तो खांसी होगी, लेकिन सांस फूलने का मतलब ये है कि उसके असरात में आ गए हैं। बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जिसको कोरोना वायरस अगर हुआ है या शुबा है तो उसको ये देखना चाहिए कि उसके सांस का प्रॉब्लम जो है वो तो नहीं हो रहा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कुछ लोगों को वहम सा भी हो जाता है, तो उसका हल ये है, बल्कि मैं इसको एक और थोड़ा सा इलेबरेट कर दूँ, अच्छा मौका है, कि अगर आपका सांस फूल रहा है, अब चलिए फ़र्ज़ कीजिए आपको कोरोना वायरस है और आपको सांस फूल रहा है और आपको क्या हर केस में वो एबनॉर्मल होगा, तो उसकी अल्लाह ताला ने ना वो एक निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो दिल की रफ्तार बढ़ेगी, या यूं कहिए कि ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट होगा। तो एक सिस्टम अगर अफेक्ट हो, ऐसा हो नहीं सकता दूसरा सिस्टम जो है ना अफेक्ट ना हो, तो आप उसे कॉरस्पॉन्डिंग साइंस से चेक कर लें। मसलन ये है कि आपका सांस फूल रहा है लेकिन आपकी नब्ज़ की रफ्तार जो है ना वो 80 पर मिनट है, 75 पर मिनट है फर्स्ट क्लास, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका एक्चुअली हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है वो आमतौर पर बढ़ जाता है। सबसे कॉमन जो सांस फूलने के साथ साथ लो ऑक्सीजन के साथ अलामत होती है वो हार्ट रेट का बढ़ना होता है। वो अलहदा बात है कि वो हार्ट रेट का बढ़ना एंगजाइटी से भी हो सकता है। तो 15-20% लोगों में जब लंग्स में इसके असरात होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है और उसकी अलामत सांस फूलने की शक्ल में सामने आती है। तो अगर आपको सांस फूल रहा है, या अब तो आम सी बात है लोग अपने घर में पल्स ऑक्सीमीटर रख लेते हैं और रखना चाहिए, तो उसको चेक कर लें। मुझे भी हुआ पिछले दिनों COVID-19 और मेरे साथ खुद के साथ बावजूद डॉक्टरों ने के ये हुआ कि मुझे खुद महसूस हो कि यार मुझे सांस फूल रहा है, गड़बड़ है, तो पल्स ऑक्सीमीटर ने चेक किया 98, 97, 99% आता रहा, इत्मीनान हो गया। तो वो एक अपने आप के तौर पे चेक करता रहा, तो ये आदमी चेक कर ले। और अगर अच्छा सवाल ये है कि इसका कट ऑफ क्या है, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप 95 पे परेशान हो, 90 पे परेशान हो, 80 पे हो, एक सिंपल कट ऑफ क्या कहा जाता है, 90-92% तक अगर आपका है तो लो तो है बाय द वे, लेकिन सीरियस नहीं है।
तो आप सिर्फ ये करें कि आप आराम करें, एग्जर्शन ना करें, सीने के बल लेट जाएं, उससे ज़रा ऑक्सीजन बेहतर हो जाती है। और अगर आप देख रहे हैं कि नहीं बात नहीं बन रही, फिर भी जो है ना 90-92 से ऊपर नहीं जा रहा, तो बेहतर है कि डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। अगर 90 से कम आता है तो हम डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन देते हैं, और अगर उससे भी ना ठीक हो तो फिर दूसरे उसके दवाइयाँ भी दी जाती हैं, कुछ ऑक्सीजन के दूसरे एडवांस तरीके भी दिए जाते हैं, और उसके बहुत ही एक एडवांस चेक है कि फिर उस ऑक्सीजन से ना ठीक हो तो वेंटिलेटर दिया जाता है। जज़ाकअल्लाह खैर, कोई सवाल हो, या मैं देख रहा हूँ कि अभी किसी ने कोई अपना हाथ खड़ा नहीं किया या किसी ने अभी भेजा नहीं है मुझे कोई क्वेश्चन, सवाल तो लेकिन बहुत सारे होंगे। सुजीत जी, डॉक्टर जी, मैं एक सवाल कर लूं? जी, शुक्रिया डॉक्टर सहेल, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही, और ख़ास तौर पे मेडिकल नॉलेज के साथ साथ जो उर्दू की रवानी है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी रही। मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि लोगों की मुख्तलिफ हॉबीज़ हैं, जिसमें कि मिसाल तौर पर लोगों ने काफ़ी घर में तोते पाले हुए हैं या मुर्गियाँ पाली हुई हैं। उसकी मुझे पिछले साल इत्तेफाक हुआ, मैं घर में विजिट किया तो मैंने महसूस किया, जैसे ही मैं उनके घर में एंटर हुआ तो मुझे उनकी हवा में कुछ आलूदगी सी महसूस हुई, और फिर मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने महसूस किया एक साहब को थोड़ी सी उसका सांस फूला हुआ था आम गुफ्तगू में। तो ये जो इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, अगर उनका एक ये एक हॉबी है और वो तो जारी भी रखना चाहते हैं, और दूसरी चीज ये कि वो जो एयर क्लीनर्स यूज किए जाते हैं उसकी क्या उसका कितना फायदा हो सकता है? अच्छा, ताहिर भाई की आवाज़ थी तो जी जी मैं जी जी तो दो सवाल है, एक तो पेट्स का है और एक एयर क्लीनर का है। देखिए, पेट्स जो है एक आम सी शौक है और अच्छा शौक है, मतलब तो इसलिए मना तो नहीं करता, लेकिन जिन अफराद को अच्छा पेट्स जो है ना एक आम सा लफ्ज है, यानी कि चौपाई भी पेट्स हो सकते हैं, बिल्ली और कुत्ता भी हो सकते हैं, या परिंदे आमतौर पे होते हैं घरों में रखे जाते हैं और भी होते हैं, तो इनमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानवरों के परों में और इनकी बीट में जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उसमें एलर्जेंस होते हैं, और वो सांस के जरिए इनहेल करके दूसरे फर्द के इन्हें उसमें जा सकते हैं सांस की नालियों में। तो अगर तो उस शख्स को किसी किस्म की एलर्जी है, मसलन एस्थमा है या COPD है या किसी स्पेसिफिक एलर्जी है बर्ड्स की, तो उसको फिर उससे एलर्जन से प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? सांस की नालियां बंद हो सकती हैं, एस्थमा जैसी कैफियत हो सकती है, खांसी हो सकती है, दम घुट सकता है। अगर तो आपको एस्थमा है या COPD है, मैं मिसाल दूं, मेरे घर में बच्चों को एक दो बच्चों को था, तो मैंने आज तक बावजूद उनके शौक के कभी कोई पेट घर के अंदर रखा नहीं, लेकिन इसमें यह मतलब नहीं, अगर आदमी थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से शॉर्टलिस्ट करे तो कुछ ऐसे पेट्स हैं जैसे आप उनको बाहर रख सकते हैं, बिल्कुल आपका डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, टर्टल्स हैं या दूसरे हैं जिनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह का इतना मसला नहीं होता, बिल्ली हैं या कोई परिंदे वगैरह हैं, तो आप उन्हें अपने ज़ाहिर बहुत अंदर ना रखें, लाउंज में ना रखें, बाहर रख दें कोई पोर्च में, तो इससे काम चला सकते हैं। तो यानी एलर्जी के तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, माहौल जो होता है वो तो ज़ाहिर है, अगर उसको सफाई नहीं रखेंगे तो इन कैन पोज अ प्रॉब्लम। बिल्लियाँ जो हैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा कि ख़ास तौर पर बिल्लियों से लोग इतने मानूस होते हैं कि अनलाइक बर्ड्स वो आपके यानी बिस्तर पे भी आ जाती हैं, बहुत से लोग उनको अपने साथ चलाते भी हैं, और वो चूंकि फरी होती हैं, फर उनका होता है और उनमें बहुत एलर्जेंस होते हैं, अगर आप उसे साफ भी रखें तब भी उनके अंदर आपको एलर्जी होने के ट्रांसमिशन के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये एक जनरल सी एडवाइस है। दूसरी बात, आपने कही एयर क्लीनर्स, एयर क्लीनर्स का फायदा तो है, क्योंकि जो कमर्शली सप्लाइड एयर क्लीनर्स के यूनिट्स हैं, चाहे वो छोटे यूनिट्स हों बड़े हों, उनमें जो वो स्टडीज के जरिए साइंटिफिक बेसिस के जरिए एक्सप्लेन करते हैं, उसके जरिए नज़र तो आता है कि उससे फ़ायदा होता है। अलबत्ता ये फ़ायदा उस लेवल का नहीं है कि हम क्लीनलीनेस जो है, यानी डस्ट की क्लीनलीनेस
या स्मोक के कोई केमिकल के क्लीनिनेस को उससे सुपरसीड कर दें, यानी हम डस्टी भी रहने दें, सिगरेट भी पीते रहें घर के अंदर और हम बस वो एयर फिल्टर हम सोचें बस ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. बोथ गो हैंड इन हैंड. हमारा इंडोर एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन होना चाहिए. मैं ज़ाहिर है यूके में रह के आ चुका हूँ, मुझे अंदाजा है कि इतना प्रॉब्लम मिट्टी का वहाँ शायद ना हो, लेकिन हाउस डस्ट इज़ ए नंबर वन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, तो उसको साफ रखना भी ज़रूरी है. लेकिन अगर कोई एयर क्लीनर इस्तेमाल करता है, खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ आपने बहुत लाख सफाई कर ली लेकिन पॉल्यूटेड है थोड़ा सा इंडोर एनवायरनमेंट, तो उसमें कोई मसला. ठीक है, ये क्वेश्चन है अली रहमान साहब की तरफ से. अली रहमान साहब की तरफ से. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. सर मेरे एक सवाल तो एक जनरल सा है, उसके लिए पेश की माजरत नहीं, कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जो है. मेरे कुछ डॉक्टर्स भी हैं दोस्त, तो अब नॉर्मली लोग इसके नहीं जानते प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन वो जानते हैं. They know better than other people. So still they smoke. अच्छा, दूसरा आपने इसमें लिवर पंक्चर के बारे में जिक्र किया, इसके इसके ऊपर थोड़ी सी अगर वजाहत फरमा दें. स्मोकिंग क्यों करते हैं, अच्छा सवाल है. मुझे मैं इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार तो नहीं था, मैं आपको ना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, लेकिन दौरानी सवाल आपके मेरे तीन पॉइंट जहन में आए. देखिए पहला एक होता है एक पीयर एक्सरसाइज, क्या कहेंगे इसे, एक दोस्तों के साथ बैठे हैं. हाँ पीयर प्रेशर कह लें. वो शुरू में एक तरह से प्रेशर भी नहीं होता, चलो यार हंसी मजाक में शुरू होता है, एक सिगरेट पी रहे दोस्त या दो तीन पी रहे हैं तो बाकी ने भी चलो यार थोड़ा सा कश लगा के देख लो. तो शुरुआत आमतौर पर मैं समझता हूँ 99% शायद इसी तरह से होती है, वरना कोई फायदा नहीं होता. तो ये पीयर प्रेशर से होते होते फिर वो मतलब एक कॉमन सी बन जाती है. देन द सेकंड स्टेज सेट्स इन एंड दैट इज एडिक्शन. ये पीयर प्रेशर से फिर आगे बात निकल जाती है, फिर बंदे को पता चल भी जाता है कि ये बीमारी यही नहीं प्रॉब्लम वाली बात है, तो वो छोड़ नहीं. और ये वो मुसीबत है एडिक्शन की, जिसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते. लोग समझते हैं कि चरस या अफ्यून या हीरोइन बस यही नशा पैदा करती हैं, और सिगरेट स्मोकिंग जो है 42 जो है ना मोर एडिक्टिव है हीरोइन से. तो आप अंदाजा करें. तो दो स्टेप्स हो गए, और तीसरा स्टेप एक वो है जो हमारे मुल्क में तो बहुत आम है और दूसरे मुल्क ममालिक में भी बहुत आम होगा, वो है अपनी सेहत के बारे में लापरवाही बावजूद उसके नुकसानात के जानने के उसकी परवाह ना करना. और इसमें सिगरेट स्मोकिंग ही नहीं, ओवर वेट होना, खाने का ख्याल ना रखना, एक्सरसाइज ना करना, ढेरों चीज़ें शामिल हैं. तो इन वजूहात की वजह से लोग सिगरेट पीते हैं और इसमें इंडल्ज होते हैं. डॉक्टरों का आपने जिक्र किया, मैं मानता हूँ डॉक्टर्स भी बहुत स्मोकिंग करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी, और उसकी वजूहात इन तीनों में से कभी आप एक ले लें अनफॉर्चुनेटली. अच्छा दूसरा आपने क्या पूछा था, लंग्स का पंक्चर पूछा था ना आपने, इसको कहते हैं न्यूमोथोरेक्स. किसी वजह से लंग्स में कोई वीकनेस रह जाए और उसका जो फेफड़े की झिल्ली के करीब कोई पॉकेट सा बन गया हो, एयर पॉकेट, वो पंक्चर हो जाए और वो फेफड़े की झिल्ली के अंदर, उसके झिल्ली के दो लेवल्स होते हैं, उसके दरमियान हवा जमा हो जाए, तो हवा अगर बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो फेफड़ा, ज़ाहिर है पसलियों का जो पिंजरा होता है रिब केज, उसके अंदर जगह इतनी तो नहीं होती कि वो पसलियाँ फैल जाएँ, तो उसमें लंग्स को ही पिचकना पड़ता है. तो लंग्स जब पिचक जाते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जितनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी वो नहीं होती. कभी कभी कंडीशन बहुत सीरियस भी हो जाती है, 90% केसेस में लेस सीरियस होती है, लेकिन ये होती है. इसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं. न्यूमो का मतलब एयर और थोरेक्स का मतलब. मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल यही था, अगर ना तशफी हुई है तो दोबारा पूछ लीजिएगा. जी सर बहुत बहुत शुक्रिया. जो सवाल किसी दिन में हो सवाल तो बहुत होनी चाहिए. जी जी कोई सवाल कर रहा है या मैं कुछ बात कर सकता हूँ? समीरा इकबाल साहब सवाल करना चाह रही है. जी मैं करना चाह रही हूँ सर. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आपने एक
जो मेन कॉज बताया ना वो हार्ट डिजीज का बताया, तो मैं जो हूँ पैदाइशी तौर पे हार्ट पेशेंट, ठीक है, तो सऊदीया में हुई थी तो उसी वक्त की मुझे 18 दिन की थी, तो मेरे वालदैन को बता दिया गया था कि मेरी हार्ट वो जो एक मेन वेल्व होती है वो लीकेज है, तो 19 साल की उम्र में वहीं पे सऊदीया में रियाद हॉस्पिटल में मैं ऑपरेट हुई, लेकिन मेरे अंदर उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं आए जैसे कि होंठ जख्म नहीं हो जाते या हाइट नहीं बढ़ती है या वगैरह वगैरह, लेकिन फिर ये हुआ कि लेकिन मेरे वालिद को ये बात पता थी कि मेरा हार्ट ऑपरेशन जो है वो फेल हो चुका है, और डॉक्टरों ने उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर से आके कह दिया कि हम कामयाब नहीं हो सके, ये इनका मसला रहेगा। उस पर मेरी बैक पे हुई थी, वक्त गुजरता गया, मेरी तालीम में, मेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, हमेशा बहुत जो कहते हैं ना मैं एनर्जेटिक लाइफ गुजारी, बहुत मेहनत की अपने घर वालों की वो फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए शुरू से काम किया, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंची तो मुझे लगा मेरी शादी के सिलसिले शुरू होने लगे, तो तब मेरे वालिद को एकदम ख्याल आया कि शादी नहीं करनी है क्योंकि इसको तो हार्ट डिजीज है, कल को वापस ना आ जाए। फिर नोटिस करना शुरू किया मेरे घर में वो आ गई थी, ये थोड़ा मेरी डिटेल बात है, लेकिन मुझे एक फॉर्म मिला है तो मुझे करनी है। तो उसके बाद ये हुआ इतना मेरा कार्डियो में 2007 में ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर सर्जन जो थे अख्तर हुसैन की सही है, शादी भी हो गई। फिर चूंकि मेरा घर सीढ़ियों का नहीं था, लेकिन मैं ससुराल में आई, रेंट पर आई, तो मैं कभी फोर्थ फ्लोर पे जा रही हूँ, कभी थर्ड फ्लोर पे जा रही हूँ, कभी सिक्स फ्लोर पे घर मिल रहा है। तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, और मैं जॉब करती हूँ, टीचिंग करती हूँ, तो मैं थ्रो आउट नहीं बोल सकती, तो मेरा सांस फूलने लग जाता है, मेरा वेट आइडियल है, मेरी हाइट आइडियल है, मैं अभी भी बहुत मेहनत करती हूँ, वॉक करती हूँ, डाइट का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरा बीपी सही चलता है, मैं चेक करती रहती हूँ, ऑफ एंड ऑन मैनुअल भी चेक करती हूँ, और दूसरा वाला जो होता है डिजिटल उससे भी चेक करती हूँ, लेकिन मेरा सांस रुकता है, मुझसे बोला नहीं जाता है, मैं एकदम फटीक हो जाती हूँ। अब मैं दोबारा गई शादी के बाद डॉक्टर के पास, कि मैंने कंसीव नहीं किया था, मैं गई उनसे मैंने पूछा, तो अब की बार मैं गई ये लाशारी साहब के पास, तो उन्होंने मुझे एक दवाई दी, मेरे पाँव में सूजन आनी शुरू हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे आप जॉब छोड़ देंगे कर, लेकिन जॉब मेरी फाइनेंशियल नीड्स में नहीं छोड़ सकती। तो फिर हम गए, उन्होंने मुझे बोला एक उन्होंने टैबलेट दी, जो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा समीरा साहिबा, आपके सवाल का मुख्तसर रखें ताकि और लोगों को भी सवाल करने का मौका मिल सके। मैं मेरा ख्याल है यहां इसका जवाब भी दे देता हूं, मैं आपका प्रॉब्लम किसी हद तक समझ गया, यानी आपका सवाल समझ गया। देखिए पहली बात ये कि बगैर देखे और आपकी रिपोर्टों को देखते मैं अपने तौर पर जजमेंटल नहीं हो सकता, कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। अलबत्त उमूमी तौर पर यूँ समझिए कि जो हार्ट वाल्व लीक करते हैं उसमें चूंकि ब्लड फ्लो हार्ट के कुछ चैम्बर्स में अब नॉर्मली ज़्यादा हो जाता है, हार्ट का कैपेसिटी जो है ना उससे ओवरलोड कर जाता है और हार्ट को हार्ट के अंदर थोड़ा सा फेलियर का एलिमेंट आ जाता है। लेकिन अगर ये लीकेज का प्रॉब्लम, मेरा साहब अगर इसको प्लीज़ अपने म्यूट कर दीजिएगा, आपके माइक म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा तो अगर तो इसमें यानी लीकेज का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो फिर वो प्रेशर वेशर का मसला हल हो सकता है, लेकिन जाहिर है ये एक जनरलाइजेशन वाली बात है। कुछ केसेस में ये इनकम्प्लीट प्रोसेस भी हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत वीकनेस बाकी हो, कुछ केसेस में कम्प्लीट भी हो सकता है। तो मैं जाहिर है इसका कोई जवाब तो, कोई और अलामतें भी हो सकती हैं, यानी हार्ट का प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया हो लेकिन किसी और वजह से आपके सांस फूलता हो, मसलन लंग में पानी आ जाता हो, तो इसका जवाब देना तो मुश्किल है, आपके डॉक्टर ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपने जो पॉइंट रेज किया था वो एक तरह से वजूहात, हार्ट की जो वजूहात होती है इसमें हार्ट वॉल्व की लीकेज जो खास तौर पे यानी बचपन से शुरू होते हैं प्रॉब्लम, वो भी एक वजह होती है। शुक्रिया। मैं इसमें एक चीज बताता चलूं आपको समीरा साहिबा के हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल होते हैं जो कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने भी हमारे साथ फ्री क्लिनिक करने के लिए ज्वाइन किया है। तो वो अगले संडे से जो है वो 9 से 11 यानी पाकिस्तान का टाइम जो होगा उस वक्त
दो से चार बजे के दरमियान पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से वो क्लिनिक क्या करेंगे ऑनलाइन, डॉक्टर जावेद इकबाल, और वही टाइम मेरे क्लिनिक का भी होगा तकरीबन, लेकिन मैं तो यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो आप उनसे मशवरा करें। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं zumrush.com, जो कि स्लाइड्स में भी आया था और जिसपे लिंक हमने भेजा हुआ है, तो उसमें सिस्टम होगा जिसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं और उनसे आप डिटेल में डिस्कस कर सकती हैं। वो इसके लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट पर्सन होंगे क्योंकि वो है ही कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतर मशवरा देंगे और आपको एक आपको टाइम भी ज्यादा मिलेगा उनसे बात करने का, और अपनी रिपोर्ट्स में शक उनको पहले भेज दीजिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो किसी और के ज़हन में? राशिद कुछ कहना चाह रहे थे ग़ालिबन। अच्छा राशिद जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ही जिसे कहना चाहिए बेहतरीन लेक्चर है, और खास तौर पे उर्दू की रवानी और शेर व शायरी, ये तो जनाब उन लोगों में से हैं जो अकेले बैतबाजी और फाइनल जीत चुके हैं। तो मेरा सवाल तो खैर नहीं है कोई खास, लेकिन जो बातें आपने की इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, और जाहिर है ये लिस्ट ब्रेथलेसनेस की कॉजेज की कभी भी दो घंटे में भी मुकम्मल नहीं हो सकती है, तो लेकिन एक आध चीज ऐसी है जो खास तौर पे लोगों को थोड़ा सा उसका अंदाजा होना चाहिए। एक तो ताहिर भाई ने मेरा जो सवाल मैं कर रहा था कि वो उन्होंने उसको रेज कर दिया कि बर्ड्स भी जो है ना, ये कॉमन पेट्स जो है, ये मतलब कि यहाँ की सेटिंग में खासतौर पर यहाँ इंग्लैंड में घर जो है बंद होते हैं सर्दी की वजह से, तो हीट कंजर्वेशन का मसाइल होते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। इसको खासतौर पे बर्ड फैंसियर डिजीज कहते हैं, मुख्तलिफ बर्ड इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक इससे सेंसिटाइज हो। घर में अगर बाप को शौक है तो बाप ने सारी जिंदगी रखी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों को फर्क पड़ जाएगा, यहाँ तक कि नौबत लंग ट्रांसप्लांट तक आ जाती है क्योंकि डायग्नोज नहीं हो पाती है ये चीज। तो ये चीज़ हिस्ट्री में जो है जरूर अपने डॉक्टरों को बताएं के मतलब के पेट्स का जो एक्सपोजर है। दूसरी चीज ये है कि जो ड्रग्स भी होती है ना, थोड़ी सी कुछ ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ फेफड़ों को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में अफेक्ट करती हैं, खास तौर पे हमारे जो दोस्त हैं जिया साहब, ये एक ड्रग नाइट्रोफ्यूरोंटाइन बहुत यूज करते हैं, खास तौर पे एल्डरली लोगों के लिए, और प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी यूज की जाती है यूटीआई के। तो मतलब मेरे अपने मुशाहदे में ये है कि बाज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो ब्रेथलेसनेस होती है 3-4 साल, यहाँ तक के वो लोग बेचारे लेट नहीं पाते हैं, हाइपोक्सिक हो जाते हैं, और बड़ा सिंपल इलाज होता है कि उनके आप ये ड्रग बंद कर दें तो 2-3 महीने में वो बेहतर हो जाते हैं। तो एक ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थराइटिस की ड्रग जो हैं वो बहुत लंग को अफेक्ट कर सकती हैं, वो न सिर्फ लंग का कॉज करती है बल्कि आर्थराइटिस इटसेल्फ, जैसे रूमेटॉइड वगैरह है, वो लंग को अफेक्ट करती है, लेकिन बाद दफा उसका ट्रीटमेंट उसको और एक्सेसरबेट करती है। तो ये सारी चीजें जो हैं छोटी मोटी, लेकिन बहरहाल ये बहुत स्मॉल प्रिंट वाले कॉजेज हैं, लेकिन बस लोगों की इस्तेदा ये है कि जब भी डॉक्टरों के पास जाएं अपनी मुकम्मल हिस्ट्री के साथ, अपनी सारी दवाओं के साथ, सारे नुस्खों के साथ जाया करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो स्मोकिंग की आपने बात की थी, स्मोकिंग तो जाहिर है बहुत सारे जो माशाल्लाह स्मोकिंग चैंपियंस होते हैं वो उनके पास हर किस्म का आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं जी मेरे तो दादा ने स्मोक की थी, वो 100 साल तक जिंदा रहे थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, और मेरे चचा स्मोक करते हैं वो 75 साल के हैं। मतलब कि एक इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि स्मोकिंग डज नॉट अफेक्ट एवरीबॉडी, इट ओनली अफेक्ट्स अबाउट 30% ऑफ पीपल हु स्मोक, लेकिन अगर आप लंग डिजीजेस वालों को देखें तो उसमें से 99% लोग स्मोकर्स होते हैं। तो हर एक को तो स्मोकिंग अफेक्ट नहीं करती, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, तो फर्स्ट 10 causes ऑफ लंग डिजीजेस, क्रॉनिक लंग डिजीजेस, 9 of them somehow directly or indirectly स्मोकिंग से रिलेट करते हैं। और दूसरी चीज ये कि आजकल स्मोकिंग सीजेशन पर बड़ा जोर है। अब मुझे पाकिस्तान के तो ट्रेंड्स का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर स्मोकिंग सीजेशन स्ट्रेटजीज होती हैं, और बाज लोग जो है वो जो वेपिंग होती है शीशा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं, तो उसको एज अ रिप्लेसमेंट यूज करते हैं अपने साइकोलॉजिकल और फिजिकल एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए। लेकिन वॉट हैपन्स, यहाँ पर इंकरेज किया जाता है कि इट्स बेटर देन टोबैको स्मोक, लेकिन दैट शुड बी अ ट्रांजिएंट फेज टू हेल्प यू गेट ऑफ द एडिक्शन। तो लेकिन बाद लोगों ने 6-7 साल से जो है वो वेपिंग कर रहे होते हैं, मतलब कि एक एडिक्शन से दूसरे, और उसके इतने ज्यादा काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं कि उसमें अल्लाह जाने क्या क्या, और मतलब कि चीजें सेल करने के लिए उसमें भी तरह तरह के नशे और खुशबू शामिल किए जा रही है।
उससे अपना लंग्स खुद मतलब कि स्मोकिंग से भी बड़ी हो सकता है एपिडेमिक कुछ सालों में हमें फेस करनी पड़े। इसमें इजाफा कर दूं राशिद, स्मोकिंग सेसेशन में जो आपने शीशा का जिक्र किया, ये बिल्कुल एक आई वॉश है, धोखा देने वाली बात है बिल्कुल। उसमें जो लेटेस्ट धोखा है वो है ई सिगरेट का, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का। हाँ, उसको वो भी इसी कहते वेपिंग, वो भी इसी तरह प्रमोट किया गया था कि जनाब बेसिकली ये वो चौंचले हैं जिसमें कोशिश की जाती है कि बंदा एडिक्शन से निकलने ही ना पाए। तो ये बिल्कुल ढकोसले हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि अगर आप ई सिगरेट तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं जिया, इसमें एक सवाल आया है अलिया साहिबा का, जी जी। अगर आप इजाजत दें बिल्कुल जवाब दे दूं। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि इन पाकिस्तान इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन नॉट अ फैक्टर इन कॉजिंग लंग प्रॉब्लम्स एंड ब्रेथलेसनेस। बिल्कुल 100% बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, वो आपने पॉइंट आउट कर दिया, मैंने एनवायरमेंट का शायद इतना ज्यादा पॉइंट आउट नहीं किया। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है वेस्ट में तो इसकी कॉन्शियसनेस भी है, गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पे काफ़ी हद तक इस पे काबू भी पाया है, लेजिस्लेशन भी बनाए हैं गाड़ियों के धुएं के बारे में, कारखानों वगैरह के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलप्ड कंट्रीज में सेहत का बुरा हाल है, किसी को परवाह ही नहीं है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल आपकी सही बात है, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जिसमें कराची, लाहौर वगैरह शामिल है, दुनिया के 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में गिने जाते हैं बदकिस्मती से। और इसमें कारखानों का धुआं, गाड़ियों का धुआं और स्मॉग ये सब शामिल हैं। और इसकी एविडेंस भी है, लोकल स्टडीज़ भी हुई हैं, इस वक्त मेरे पास रेफरेंसेस नहीं हैं उनके, कि इनकी वजह से चाहे आदमी सिगरेट ना भी पीता हो या अस्थमा ना भी हो, लेकिन इन बीमारियों का लोग शिकार हो जाते हैं। तो यकीनन ये एक प्रॉब्लम है। मैं शायद इंफरादी तौर पे कोई फर्द या कोई भी फर्द इसको सही तो नहीं कर सकता जब तक के हुकूमती सतह पे इसका कोई सद्देबाब ना हो, लेकिन मैं अगर इंफरादी तौर पे इस बारे में सेंसिटाइज हूँ, मुझे अंदाजा है कि माहौलियाती आलूदगी प्रॉब्लम कर सकती है। तो कम अज़ कम जो मेरे अख्तियार में है, मेरे अख्तियार में मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरा जो भी कह लें जहाँ मैं काम करता हूँ, उसमें मैं कम से कम ये इंश्योर करूं कि लोग अंदर सिगरेट ना पिए इंडोर, ठीक है ना, और कोई ऐसी केमिकल्स वगैरह ना जलाएं, या जैसे पेट्स का जिक्र आया तो उस पे मैं काबू पालूं। इंस्टीट्यूशंस में हमें जहां जहां काम करते हैं वो उसको स्मोक फ्री होने पे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिगरेट ना पिए जाएं, ये सब हम कर सकते हैं। जज़ाक अलिया का एक उन्होंने शायद मेरे ख्याल इसी चीज के लिए दोबारा पूछना चाह रही है या कोई और क्वेश्चन है डॉक्टर अलिया? नहीं, अस्सलाम वालेकुम सहेल भाई, नहीं जज़ाकअल्लाह, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह ये वाला बना था। लेकिन हाँ, अब एक्चुअली यू रेज द पॉइंट आई वाज गोइंग टू रेज, मैं कहने वाली थी पैसिव स्मोकिंग के बारे में, क्योंकि लोग ये चीज भूल जाते हैं, खुद स्मोक अगर करें लेकिन उनके बच्चे बच्चे होते हैं आस पास, फैमिलीज होती हैं, लेकिन ये बात आपने टच कर लिया, तो आई थिंक दिस इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि समटाइम्स लोग ये चीजें भूल जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में घर फिर भी बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ के तो घर बंद बंद होते हैं, तो वो काफी नुकसान कर सकता है। तो जैसे कल आपने पॉइंट रेज कर लिया, शुक्रिया। एक इसके अलावा जो है अली रहमान साहब का एक क्वेश्चन एक और है। जी अली। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में आया कि तकरीबन एक साल पहले मैंने एक टेस्ट कराया था स्पायरोमेट्री का, तो वो टेस्ट फर्स्ट टाइम जो है मेरा वो डॉक्टर ने कहा जी आप दोबारा करेंगे, इसमें आप इसको तकरीबन 6 सेकंड तक सांस जो है एक्सहेल करना होता है। तो अब मैं उस मेरा टेस्ट वो ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सवाल ये है कि अब इसमें नॉर्मली हमारे पास हम उतना अपने लंग्स को यूज नहीं कर रहे होते, इनहेल और एक्सहेल इतना नहीं कर रहे जितना उस टेस्ट में करते हैं, यानी अगर वो 100% कर रहे तो हम नॉर्मल 50-60% हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो उन लोग क्या ये बेहतर है नॉर्मल हमारी जो रूटीन है ये इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये करना चाहिए? इसका जवाब ये है कि वो स्पायरोमेट्री डिजाइन ही फोर्सफुली एक्सहेल करने पे या इनहेल करने पे हुआ होता है, यानी उसमें दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग को भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हम एक्चुअल मेजर करते हैं वो फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को मेजर करते हैं।
तो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, समझ में आने वाली बात है कि हम तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं लेकिन उसमें हमें फोर्सफुल लगाना होता है तो शायद हमारी कैपेसिटी कम होती है, कम आती है उसके अंदर, ऐसा नहीं है, वो दैट इज इन बिल्ट. तो नॉर्मल लोगों में, पॉपुलेशन में देखा जाता है कि भाई नॉर्मेलिटी क्या है और उसके हिसाब से आपको जज किया जाता है. इट इज रीजनेबली एक्यूरेट. सांस फूलने की जो बीमारियां हैं, एस्मा, सीओपीडी वगैरह, उसके अंदर तो स्टैंडर्ड है, वो तो पीरियोडिकली हम करते हैं, और खास तौर पे उन केसेस में जिनमें हम कोई वजह ना समझ में आ रही हो वो भी हम उसको यूज करते हैं. इट्स वेरी कॉमन टेस्ट. जज़ाकअल्लाह खैर. मैं कल से एक चीज मैं अपनी मालूमात में इजाफे के लिए एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं. डॉक्टर साहब ये बताएं कि जितने हमारे एक्सपायर इम्यूनिटी की इन्होंने बात की, जो जो रेफरेंस वैल्यूज हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं, ये सारी यहाँ कॉकेशियन पॉपुलेशन की जैसे साफ और बनावट और हाइट और वेट के हिसाब से हैं. तो हमारी जो एशियन पॉपुलेशन होती है दे फॉल आउटसाइड दैट एनी वे, लेकिन उनका अपना नॉर्मल हमें खुद डिटरमिन करना पड़ता है. क्या इस तरह के पाकिस्तान में या कहीं और इस तरह की कोई काम हुआ है, रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने अपना क्या कहते हैं इंडिजिनियस पॉपुलेशन के नॉर्मल्स वगैरह कुछ वजह की हों? जी राशिद हुआ, लोकली इस पे डेटा मौजूद है और हम ऐसे अक्सर जो उसकी वैल्यूज जो उसमें फीड करते हैं वो लोकल जो डेटा है उसके हिसाब से ही करते हैं बाय एंड लार्ज. ओह वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस. जज़ाकअल्लाह खैर. मैं बस वो अनाउंसमेंट एक और दफा कर दूं लोगों के फायदे के लिए कि हम जो है वो फ्री क्लिनिक भी करते हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर जावेद ने रिसेंटली ज्वाइन किया है जो कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं. तो उन्होंने कहा है कि संडे के दिन यानी पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से 3 से लेके 5 बजे तक वो करा करेंगे क्लिनिक. तो सॉरी 2 से लेके 5 बजे तक, मैं रिपीट करता हूँ, 2 से लेके 5 बजे तक किया करेंगे संडे के दिन. तो जिसको भी अगर किसी कार्डिक कंसल्टेशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल यानी जो चीज़ें इससे ताल्लुक है उनके बारे में कोई एडवाइस लेनी हो या डिस्कस करना हो तो उसके लिए मुख्तसरन ये है कि आप वेबसाइट पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें. लेकिन उसके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन आप पहले भेज सकते हैं वो भेज दें ताकि वो टाइम कम से कम यूज़ हो आपकी हिस्ट्री लेने में और आपको एक डायरेक्ट कोई ना कोई उसके बारे में एडवाइस मिल सके, क्योंकि टाइम कम हुआ करेगा. ऑब्वियसली उसमें लोग काफ़ी सारे होंगे जो कि चाहेंगे एडवाइस लेना. तो इसी तरह यूरोलॉजी की भी कंसल्टेशन होती है, वो चल रही है कुछ अरसे से, वो भी उसी टाइम पे हुआ करेगी. तो जिसके लिए जो भी आसानी हो, और इस तरह हम कोशिश करेंगे और भी फील्ड के लोग इसमें हमारे साथ शामिल हो जाएं. तो यानी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल अख्तर. और मेरे ख्याल से एक लास्ट टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना था आपके साथ, अगर आप अभी लोगों को बता दें, तो वो स्लीप एपनिया था जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ज़्यादा अंडर डायग्नोज्ड है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं भी जब मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी अरसे रहने के बाद भी मैंने देखा कि मुझे इसके बारे में ना होने के बराबर इल्म था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये बहुत कॉमन चीज़ है. तो अगर तुम एग्री कर रहे हो तो अगले इतवार को ये सेशन हम रख सकते हैं, अगर और तुम्हारी मसरूफियत नहीं है तो. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम.